मैंने एक स्टोरी डाली थी भाई, बहुत सीरियस चीज है, वो सीरियस चीज क्या है? मैंने ये वीडियो कट नहीं करनी, ये मैंने डालना है। इस साइड से उतरता है बंदा, उल्टी साइड से कौन उतरता है? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है मोमेंटो के साथ। तो अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिटरली कुछ चीजें कर लेगा यार। तो फर्स्ट अपडेट निकल के आ रही है आमिर मजीद की साइड से। तो आमिर मजीद ने रिसेंटली एक सीरियस चीज के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने इसके ऊपर एक स्टोरी डाला, आप सबसे पहले वो क्लिप देखो। तो कल मैंने एक स्टोरी डाली थी भाई, बहुत सीरियस चीज, एंड वो सीरियस चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना गोवा जा रहा हूँ, और वो भी गोवा क्यों जा रहा हूँ वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। खतरनाक चीज। तो आमिर मजीद ने बताया एक खतरनाक चीज के बारे में, तो वो चीज क्या है टाइम आने पर मैं आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है इको 07 राइडर की साइड से। तो इको 07 राइडर को बिग बॉस में काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है जोकर बोल के, और ये वाले गाने लगाकर। तो इसके ऊपर कालंकिन जो कि इनका ब्रदर है, उन्होंने उन सभी के ऊपर रिएक्ट किया। आप सबसे पहले क्लिप देखो। सारी उम्र मैं बीबी किंग बने आ रहा, खड़ा हूं भाई खड़ा हूं, सेंस ढूंढना, जो ट्रोल कर रहे हो सेंस ढूंढना, कुछ भी चल रहा है बट आई एम स्टिल देयर फॉर हिम, सब ठीक होगा, सबको प्यार, जो हेट भी कर रहे हैं जो प्यार भी कर रहे हैं, एंड विल विन दिस। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है मणिकत्री की साइड से। तो मणिकत्री के ब्लॉग में उनके गर्लफ्रेंड सच्ची आपसे नहीं दिखेगा, इसका रीजन क्या है आप वो क्लिप देखो। यानी क्या कर रही है यार, उतरना नहीं आ रहा तेरे को? मैंने ये वीडियो कट नहीं करनी, ये मैंने डालना है। हर बार तू कोई ना कोई ऐसा काम करती है उल्टे सीधे, उतरने की जांच ही नहीं है। इस साइड से उतरता बंदा, उल्टी साइड से कौन उतरता है? गलती होगी ना यार, गुस्सा नहीं होता यार, गाड़ी गुड़ी आ रही होती कोई पीछे। फिर सच बताऊं, अभी मैं जितना हो पाएगा ना मैं अकेले व्लॉग बनाऊंगा, जैसा भी होगा जो भी होगा आपको एंटरटेन करने की फुल कोशिश करूंगा, अकेला व्लॉग बनाऊंगा, सांची को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सच बताऊं तो मैं जब सांची को लेकर राइड पे निकलता हूं ना, मुझे ऐसे डर डर लगता है, मैं खुल के राइड नहीं कर पाता। तो लास्ट अपडेट निकल के आ रही है एक्सप्लोर एन मोर की साइड से। रिसेंटली उन्होंने KTM परचेस किया था, लेकिन बाद में उनको पता चला वो एक सेकंड हैंड बाइक है, और उन्होंने जब शोरूम वालों को बताया तो उन्होंने बोला आप इस बाइक को बेच दो और हमसे एक नई बाइक खरीद लो। इस शोरूम से किसी की चली हुई बाइक मुझे दी गई है बिना चेक करवाए, बस फटाफट से निकल जाओ, मुझे अगर पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, तुमने बाइक चेक करवाई थी तो पेमेंट कर दो, मैंने फिर भी ट्रस्ट पे पेमेंट कर है, और उसको राइड से कैसे मैं घर लेकर आया हूं। ये KTM गुजरन वाला से फंसवा ना KTM से। So guys, अगर आप KTM बाइक परचेस करना चाहते हो तो ध्यान से, क्योंकि अभी के टाइम KTM वाले बहुत लोगों को चूतिया बना रहा है। सो ये आज मेरे पास इतना ही अपडेट था, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो।